हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज हम 30 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम फ्रंट ओपन नहीं कर रहे हैं, पान शेप नेक पर प्रिंसेस कट ब्लाउज। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। कमर का तीसरा भाग, 30 का तीसरा भाग 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। ब्लाउज का लेंथ हम यहाँ पर 14 इंच तैयार रखेंगे, इसलिए हम 15 इंच लेंगे। तो टोटल 15 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और शोल्डर 5.5 इंच। हम नेक की लंबाई 7 इंच लेंगे और चौड़ाई 2.5 इंच। अब मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे। इसके बाद चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये 1 इंच लेंगे और उसके बाद ये हमारा आर्म होल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम प्रिंसेस कट के ये मार्किंग कर लेते हैं और ऊपर से टक्स पॉइंट 10 इंच पर और नीचे से 3.2 इंच पर मार्क कर लेना है। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे और इसको कर्व लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये 1.5 इंच मैंने जो टक्स पॉइंट के लिए लिया था वो कटिंग में चला जाएगा तो फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। अब क्रॉस बेल्ट की कटिंग करेंगे तो इसकी लेंथ 4 इंच रखेंगे और इधर से 3 इंच। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच के उसके बाद क्रॉस शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट रेडी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया था वैसे वैसे कटिंग कर लेंगे। और ये हो गया क्रॉस बेल्ट। और उधर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काट के हटा देंगे। अब इसका नेक हम पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे। तो ये रहा पेपर पेस्टिंग। आप कपड़े पे भी बना सकते हैं पर इस पे अच्छा नेक बैठता है। तो नेक की लंबाई लेंगे 7 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच। अब इसका शेप दे देंगे। पान शेप बनाना है, ये मैंने शेप दे दिया। अब 1 इंच एक्स्ट्रा लाइन खींच लेंगे क्योंकि ये फोल्ड करने में जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा पान शेप बन के रेडी है। तब मैं ये आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये ऐसे रखेंगे। अब
हम ये ब्लाउज ऐसे बन के रेडी होगा। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे कि कपड़ा कभी कम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा रहे तो हम काट के हटा देंगे। ऐसे ही सारे कपड़े को काट लेंगे। अब ये क्रॉस बेल्ट भी रेडी हो चुका है, इसको एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जितना कपड़ा है एकदम सेम उतना ही काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे। अब हमारा कटिंग हो चुका है, अब चलेंगे स्टिचिंग की ओर। अब पेपर पेस्टिंग को मैंने एक कपड़े पे आयरन से चिपका दिया है, आप चाहे तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसको साइड साइड से अच्छे से सिलाई कर लेंगे। इसको खींचना नहीं है, एकदम आराम से इसको सिलाई कर लेना है। अब ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे और चौक से इसको एक लाइन खींच लेंगे। अब हमारा ये अस्तर और मेन फैब्रिक पे सिलाई चला लेंगे ताकि सिलाई इधर उधर ना हो। अब एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देंगे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और ठीक उसी लाइन पे ये पेपर पेस्टिंग रख के और बीच से सिलाई चला लेंगे ताकि गला थोड़ा भी टेढ़ा ना हो। और जैसे जैसे शेप दिया हुआ है उस पे हम सिलाई चला लेंगे। हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के और कटिंग कर लेंगे। बीच से थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, लाइन के अंदर ही कट लगाएंगे, सिलाई के बाहर ही। अब इसको उलट के ऐसे ठीक से बैठा लेंगे और उसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। इसको थोड़ा भी खींचना नहीं है, एकदम आराम आराम से सिलाई कर लेंगे। अब ये हमारा पांच शेप डिजाइन बन के रेडी हो चुका है। अब इसके साइड का पार्ट्स जोड़ेंगे तो ये आर्म होल से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सिलाई लगा देंगे। और इसके ऊपर से एक बार फिर से सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब इसके दूसरे साइड का भी पार्ट सेम प्रोसेस से जोड़ देंगे। और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे।
अब इसमें क्रॉस वेल्ट लगाएंगे, तो इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से ही जोड़ना स्टार्ट करेंगे, साइड से नहीं करेंगे, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो इसको हम सेंटर से जोड़ लेते हैं। अब दूसरे साइड भी सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जोड़ लेंगे। अब बीच में एक छोटा सा कट बना देंगे और उसके बाद इसको उलट के इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको काट के हटा देंगे और नीचे से एक अस्तर का कपड़ा लगा देंगे। ये लगभग 1.5 इंच की है पट्टी। और इसको अंदर की तरफ सिलाई करके मोड़ देंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज 5 से गला बनके रेडी हो चुका है, जो बहुत ही इजी और परफेक्ट तरीके से बनाया है। आप सबको प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।